गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में फॉर पीआरटी एंड टीजीटी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको दोबारा से केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। आफ्टर दैट आपका सीटेट पेपर टू क्लियर होना चाहिए एंड साइड बाई साइड आपका बीएड भी कम्प्लीट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर पीआरटी, तो आप लोगों का 12th क्लियर होना चाहिए विद 50% मार्क्स, आपका सीटेट पेपर वन कम्प्लीट होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए आपका, या आप लोगों का बैचलर, आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए, तभी आप पीआरटी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप टीजीटी हैं और मेल हैं तो आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप पीआरटी हैं मेल हैं तो आप 30 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर फीमेल टीचर्स, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है इन पीआरटी आल्सो, टीजीटी आल्सो एंड पीजीटी आल्सो। सो ऑल द बेस्ट ऑल द फीमेल एंड द मेल कैंडिडेट्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ केवीएस jobs in future. Still you are having any query related to KVS, you can always ask me in the comment session, but aapka seated paper 1 or paper 2 should be clear for it. Thank you everyone, have a nice day.